.in में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अपिता शांतनु। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सागर केसरवानी जी, जिनकी अभी एक पहली फिल्म ससुराल आने वाली है। ये उनमें निर्माता हैं और इस फिल्म को बनाने में भी बहुत मेहनत की है। सर, आप अपने सफर के बारे में बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में आप किस तरह आए हैं। सबसे पहले जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ मूवी में आने का कारण मतलब ये था कि हम लोग टूरिंग टाकिस चलाते हैं, गांव गांव देहात मलाई मीरा सब जगह जाते हैं, उनकी सोच को सोचते हैं, अपन समझते हैं। उसके बाद हमने ये तय किया कि एक ऐसी मूवी बनाया जाए जो हर गांव देहात में शादी का कल्चर हो, और जो पहले हमारे यहाँ चलता था गुरावट शादी का, वो सारी चीज़ें देख के हमने इस छत्तीसगढ़ी मूवी ससुराल को बनाया है। हाल ही में हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, हाल ही में अभी एक ऐसी फिल्म आई थी करण खान जी की, मंदराजी, जिस फिल्म को लोगों ने खासा पसंद नहीं किया, जबकि वो कि माटी से जुड़ी हुई और एक सांस्कृतिक और कला से जुड़ी हुई फिल्म थी। तो आपकी ये जो फिल्म है ये भी कहीं ना कहीं संस्कृति को दर्शाती है, तो क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को? सबसे बड़ी तो मंदरा जी आया, उसको जनता ने पसंद नहीं किया। सबसे बड़ी तकलीफ मुझको है हमारे छत्तीसगढ़ की माटी का जो लाल था दाऊ मंदरा जी, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, कहा जाए मेरे खुद को जानकारी नहीं थी और मैंने भी नहीं देख पाया। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ जो करण खान जी उसमें किरदार निभाया है, उस जिंदगी को जी के बताया है। लोग बाग देखने वाले ये बोलते हैं कि फिल्म को देखने के बाद रो पड़े थे। और रही हमारी ससुराल मूवी के बारे में, ससुराल मूवी में हाँ पुराने जितने कल्चर हैं बताए गए हैं, शादी ब्याह हर चीज़ की नोक झोंक के, लेकिन इसमें इतनी सारे माल मसाले हैं, चटपटे हैं, हंसी है, रोना धोना है, सारे चीज़ें हैं हमारे मूवी में। इसलिए मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ और कि ये पिक्चर को एक बार देखें ज़रूर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की ऐसी मूवी है जो पहली बार हमारे गाँव देहात की शादी की जितने रस्म है सारी चीज़ को बताया गया है इसमें। दर्शकों, आपको बता दें सागर भैया अभी हाल ही में जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से पार्षद वार्ड चुनाव में खड़े हुए थे और इनकी बहुमतों से, बहुत भारी वोटों से इनकी विजयी हुई है। कांग्रेस दल से ये खड़े हुए थे। सर, कितने उम्मीदवार थे आपके साथ और कितने वार्ड प्रत्याशी खड़े हुए थे आपके वार्ड से? मेरे वार्ड से 4 प्रत्याशी थे, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था। मेरे विपक्ष में थे नगर पंचायत अध्यक्ष संजय अग्रवाल की मिसेज, जो अध्यक्ष की दावेदारी कर रही थी वो थी, और 2 निर्दलीय थे। निर्दलीय ऐसे थे, एक शिवसेना की थी, एक और निर्दलीय थी। कितनी मेहनत लगी और कितने दिनों से, और कैसा लगा इस पहली बार आप पार्षद में खड़े हुए हैं और आप कैसा विकास देखना चाह रहे हैं अपने वार्ड में? अच्छा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने आज पार्षद बन के ये ठान लिया है कि वार्ड का विकास करना मेरा पहला धर्म है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये सोचता हूँ मैं, पार्षद बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मैंने आज पार्षद बना तो मेरा निर्णय ये है कि मोहल्ले का हर सुख दुख मैं खड़ा रहा हूँ उस मोहल्ले के प्रति, और जितने काम है मोहल्ले का, जैसे ज़्यादा काम नहीं रहता, नल हो गया, पानी का हो गया अपना, और लाइट हो गया, साफ़ सफाई है, ये सारी व्यवस्था है ना, मोहल्ले में जो भी परेशानियाँ हों छोटी बड़ी सारी चीज़ में मैं खड़ा रहा हूँ उनके साथ। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर के फिर आपने अचानक पार्षद बनने का एक ख्याल आपके मन में आया और आज आप पार्षद बन गए हैं। हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले आप क्या करते थे? मेरे खुद का बिजनेस है, 3-4 बिजनेस है मेरे पास। मेरे खुद की लॉज है, प्रतिभा पब्लिक नाम की स्कूल है, शोरूम है, और सब्जी का थोक का काम है, और साइड बिजनेस टाइप का, जैसे हमारे यहाँ मेला माड़ाई चलता है, उसमें मैंने पहले भी बताया कि अपन टूरिंग टाकीज चलाते थे, और टूरिंग टाकीज को ही देख के जितनी पिक्चर आई उसमें हमने सोचा कि इस टाइप का पिक्चर नहीं बना है, और जो हमारे राइटर हैं दिलीप कौशिक जी, उसने हमारे साथ स्क्रिप्ट को रखा और स्क्रिप्ट को पढ़ के हमने सराहा, उसको समझा कि ये लोगों को दिल को छूने वाली पिक्चर बन सकती है, क्योंकि ससुराल एक ऐसा नाम है जो हर किसी के लाइफ में, चाहे लड़की हो या लड़का, ससुराल आना ही है ना, और ससुराल में जो भी नोक झोंक होता है वो सारी चीज़ें हैं हमारे पिक्चर में, इसलिए इस पिक्चर को हमने बनाया।
सर, फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के साथ साथ आपने अभी पार्षद चुनाव में भी आपने दावेदारी की, आप विजय हुए, तो आपका क्या ख्याल आया कि पार्षद बनने का, कि आप अपने वार्ड में कुछ विकास करना चाहते हैं? क्या वहाँ के पूर्व पार्षद ने कुछ ऐसे काम नहीं करवाए थे या जनता उनसे खुश नहीं थी, क्या कारण लग रहा था आपको? नहीं, जो पार्षद है तो काम नहीं कराया, डेफिनेटली है, उसमें दो मत वाली बात ही नहीं है। पार्षद ने जो कोई काम कराया जिसमें उसको खुद को फायदा हो, उसके सिवा कोई काम नहीं कराया। पार्षद बनना मतलब मोहल्ले वाले का सुख दुख में खड़ा होना, ये है। लेकिन उसने वो काम कराया जिसमें खुद का पॉकेट भरे, ये काम कराया। और मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि मैं अपनी खुद की पॉकेट भरना नहीं चाहता, मैं जनता का सुख दुख में खड़ा होना चाहता हूँ, और ये चीज़ सोच के मैंने खड़ा हुआ। हाँ, ये भी बता देता हूँ, मैंने पार्षद में खड़े होने के पहले ही निर्णय ले लिया था कि हारूँ या जीतूँ मैं जनता के हर दुख में सुख में खड़ा रहूँगा, और उसके बाद कभी पार्षद पद या कोई भी प्रकार के कंपटीशन में नहीं खड़ा रहूँगा। अभी तो आप सर पार्षद बन गए हैं, आगामी जो भी चुनावी माहौल होंगे, चुनाव के जो भी मुद्दे होंगे, चुनावी दौर होगा, इसमें आपकी और क्या तैयारियां रहेंगी? नहीं, तैयारियां अब ऐसा है कि पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कांग्रेस से, तो उसके प्रति निष्पक्ष काम करूंगा, लेकिन मैं कभी चुनाव में फाइट नहीं करूंगा। सर, ससुराल फिल्म में करण खान जी को इस बार किस तरह का नया किरदार में लोग देखने वाले हैं, और उनके साथ टीकम ठाकुर जी भी हैं बतौर एक, वो भी साइड हीरो का काम कर रहे हैं, और उनका गुरावट में शादी हुआ है, ये पहले हम लोगों ने मतलब सुना था, मगर पहली बार लोग फिल्म के जरिए देखने वाले हैं, तो किस तरह का मिर्च मसाला इस फिल्म में देखने को मिलेगा? करण खान जी का रोल तो ऐसा है कि जैसे हर व्यक्ति का शादी होने के बाद उसके दोस्त लोग उनके टांग खींचते हैं, ये सारे मिर्च मसाला उसमें भरा हुआ है। जैसे शादी होने के बाद वाकई में कुछ लोग हैं जो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है कि कैसे बदल जाते हैं। जो घर के प्रति कभी काम नहीं करते, शादी होने के बाद अपनी बीवी के प्रति कैसे काम करते, वो सारी चीज़ें बताया गया है। और दोस्तों का इसमें खिंचाई कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। सर, एक बार और हमारे दर्शकों से आपके फिल्म के आगामी आने वाली तारीख की घोषणा कर दीजिए, और दर्शकों को एक अनुमति और एक आमंत्रण दे दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ के सारे जनता वासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी जो 3 जनवरी को आने वाली फिल्म है ससुराल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, दुलार दें, देखें उसको, समझें। और उसमें जो भी कमी बेसी है हमारे मूवी में, हमको बाकायदा फेसबुक के, इंस्टाग्राम के चलते लिखें उसको, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारी नेक्स्ट मूवी बनने की कगार में है, तैयारी चल रही है उसकी, और ससुराल टू, उसमें हम पूरे जितने भी आपके रहेंगे सवाल, आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा एक और सवाल है, आपकी फिल्म के जो गाने हैं टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो आपके सभी कलाकारों से हमारे चैनल के द्वारा हमने बातचीत की, और हमारे चैनल ने उन सभी से एक ही सवाल पूछा कि टिकटॉक जो है आपके गाने को इतना फेमस कर रहा है, तो आपकी फिल्म को लोग देखने आएंगे और जरूर आएंगे, तो टिकटॉक को लेकर आपकी क्या भावना है? सबसे बड़ी टिकटॉक में या जितनी गाना बन रही है, मैं इसको जनता का प्यार समझूंगा, और जो जनता आज प्यार दिखा रही है वो पिक्चर को भी दिखाए प्यार। और रही टिकटॉक में बनने वाली बात, टिकटॉक में बन रही है तो हम टिकटॉक में जितने आज बन रही है उसमें 10 पार्टिसिपेंट जो टॉप हैं उनको आने वाली मूवी में हम चांस देना चाहते हैं। अभी जितने नए कलाकार हैं जो पर्दा में आने चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उसको निवेदन करते हैं कि अपना टिकटॉक बना के भेजे हमारे ससुराल फिल्म में गाने में। और हमारे जो 4 जने हैं चुनने वाले इसमें, जिसमें प्रमुख हमारे दिलीप नाम पल्लेवार जी हैं और निर्माता हैं, निर्देशक हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ उसको हम डिसाइड करेंगे, और उसके बाद उसको अब आने वाले फिल्म में टॉप 10 जो रहेंगे उसको उसके कलाकारी के हिसाब से उसको रोल देंगे अपन। तो दर्शकों बिल्कुल भी देखना ना भूलें, 3 जनवरी 2020 को साल का शुरुआती दौर में एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आने वाली है ससुराल। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। छालीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े कलाकारों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए cgfilm.in।